देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर के हेडिंग से, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाम ही बता रहा है इसमें होना क्या है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत ही ईजी रहना है, ठीक है, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फटाफट से बस इसको आगे करते चले। देखो, हम लोग रिस्पायरेशन पहले पढ़ चुके हैं, है ना। ये रिस्पायरेशन के जैसा ही है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन को आप यूज कर रहे हो तो, बट माइंड इट, रिस्पायरेशन में इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा था, है ना। रिस्पायरेशन में इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा था। अभी क्या होगा कि जो कुछ भी आप लोग इनहेल कर रहे हो, जो कुछ भी आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन के फॉर्म में, आप उसको बॉडी में हर सेल तक पहुंचाओगे ताकि वहां पे रिस्पायरेशन हो पाए, और फाइनली आप CO2 वहां से जो फॉर्म होगा उसको बॉडी के बाहर भेज दो। यही है, देखो, दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड एटमॉस्फेयर विद फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम द बाय द बॉडी सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। तो माइंड इट, NCERT खुद ही बोल रहा है कि ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन सेम ही चीज है। ब्रीदिंग को ही हम लोग कॉमनली रिस्पायरेशन बोलते हैं, बट इस बात को भी ध्यान रखना है कि रिस्पायरेशन ब्रॉडर सेंस में हम लोग सेलुलर रिस्पायरेशन का बात करते हैं, ठीक है ना। सेलुलर रिस्पायरेशन का बात करते हैं ब्रॉडर सेंस में, अगर हम बात करें तो वो हमेशा ध्यान रखना है कि सेलुलर रिस्पायरेशन मतलब कि रिस्पायरेशन एट सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे जो रिस्पायरेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेल के लेवल पे जो रिस्पायरेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। खैर चलो, उसके बाद आगे देखते हैं। बीच में और कुछ भी समझने लायक नहीं है, सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है, आप लोग पहले से जानते हो कि क्या कैसे होता है। आगे देखो, यहाँ पे जो रिस्पायरेटरी ऑर्गेन है, पूरे एनिमल किंगडम का अगर हम बात करें, पूरे अगर हम एनिमल किंगडम का बात करें, साथ में आप लोग भी लिखते चलो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर हम पूरे एनिमल किंगडम का बात करें तो पूरे एनिमल किंगडम में बहुत सारा फाइलम है, अलग अलग फाइलम में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, तो अलग अलग फाइलम में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास कौन कौन सा अलग अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गेन है। वापस से बोलता हूँ, अलग अलग फाइलम के अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास कौन कौन सा अलग अलग रिस्पायरेटरी ऑर्गेन है। जैसे मान लो आप बात करते हो, हम लोग अभी सबसे पहले बात करते हैं जो बुक में पढ़ना उसी के बारे में बात करते हैं, अर्थवॉर्म का। अर्थवॉर्म, ये जो आपका प्यारा सा अर्थवॉर्म है, इसके अंदर क्या यूज होता है मेन? तो देखो, अर्थवॉर्म जो है उसका मैक्सिमम रिस्पायरेशन क्यूटिकुलर होता है, ठीक है। इसमें कैसा रिस्पायरेशन होता है? क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन। क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन, अभी ये क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन क्या है तो सीधा से बताता हूँ। रिस्पायरेशन थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू जो रिस्पायरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। अभी एक बात और ध्यान में रखना कि ये तो अभी हम लोगों ने बात किया अर्थवर्म के बारे में, अर्थवर्म कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? अर्थवर्म कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? एनेलिड्स। कौन सा फाइलम है? एनेलिडा, ठीक है। ये एनिमल किंगडम जब पढ़ेंगे तो दोबारा से पढ़ेंगे। खैर कोई नहीं, एक बात दिमाग में रखना है कि इसका अलग फाइलम है। अच्छा, ये तो अर्थवर्म का बात हुआ, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स का। आर्थ्रोपोडा भी एक फाइलम है, हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। जैसे ही आप बात करोगे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स का, तो इनमें दो तरह का होता है। अच्छा, आर्थ्रोपोड के अलावा आप मॉलिस्का भी ले सकते हो, एंड मॉलिस्का। जब आप इन दोनों का बात करोगे एज अ होल, तो आपको दो ऑर्गन देखने को मिलेगा। एक तो तुम्हारा, दो नहीं एक ही मिलेगा यहाँ पे, तो मेनली गिल्स ही मिलता है। क्या मिलता है? गिल्स। मॉलिस्का में गिल्स मिलता है, खासकर आर्थ्रोपोडा में भी एक्वेटिक वाला जो होता है उसमें गिल्स मिलता है। ध्यान रखने वाला बात यह है कि आर्थ्रोपोडा में सबसे अधिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह का फीचर मिलता है। अगर आप बात करो आर्थ्रोपोडा में ही, तो आर्थ्रोपोडा के अलग अलग मेंबर में अलग अलग ऑर्गेन मिल सकता है, ये बात ध्यान रखना।
आर्थ्रोपोडा के अलग अलग मेंबर में अलग अलग ऑर्गन मिल रहे हैं। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आया ना, तो इंसेक्ट में कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा जैसे मान लो प्रॉन है ना, इन सब में गिल्स मिलता है। अच्छा मॉलिस्का के बारे में एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसका जो गिल है ना ये फेदर शेप का होता है, फेदर लाइक गिल्स होता है मॉलिस्का में। पढ़ेंगे जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो जानेंगे, अभी भी बस सुन लेते हैं। मॉलिस्का में जो गिल्स होता है वो फेदर शेप का होता है, फेदर लाइक गिल्स, और इसका एक नाम देते हैं टीनिडिया, इसको टीनिडिया बोलते हैं। खैर कोई नहीं, ये अभी इस चैप्टर के सबसे काम में नहीं है, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो इसका काम आएगा। खैर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट बात करते हैं इंसेक्ट्स का। अभी बात किया था ना आर्थ्रोपोडा में बहुत सारा आता है भाई, तो इंसेक्ट भी आता है। तो इंसेक्ट्स में ना ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया, हाँ ट्रैकिया या ट्रैकियल ट्यूब्स बोलो, ट्रैकियल ट्यूब्स होता ही ना कि इसके बॉडी में बहुत सारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो अगर ये आपके पास कोई इंसेक्ट है, और आप उसको जैसे मान लो ये आपका कोई इंसेक्ट है, आप उसको, ये उसका ऊपर का हिस्सा है, तो आप उसके नीचे के हिस्सा को जब देखोगे, मान लो इंसेक्ट ऐसे चल रहा है ठीक है, तो ये ऊपर का हिस्सा ये नीचे का हिस्सा, जब आप नीचे के हिस्से को देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्स मिलते हैं। देखो कुछ ऐसा, यहाँ यहाँ ऐसा ये पोर्स मिलता है, और बीच में कुछ वेंटिलेशन भी होता है ठीक है, वेंटिलेशन भी होता है ऐसा। तो ये जो ट्रैकियल ट्यूब्स है ना इसको, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा हाँ है। इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा है, यूं बोलो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक क्लास है, एक क्लास है। देखो किंग प्ले चेस याद आ रहा है, सबसे पहले किंगडम, सबसे बड़ा किंगडम होता है तो एनिमिलिया हो गया, उसके बाद फाइलम तो आर्थ्रोपोडा हो गया, और फिर चेस, चेस मतलब क्लास। तो ये जो क्लास है ना उस क्लास का नाम होता है इंसेक्टा, इंसेक्टा। अगर 9th का कुछ भी याद हो तो याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा जो है ये लार्जेस्ट फाइलम है, याद है कि नहीं याद है? ऑडियो ऑन कर सकते हो तुम लोग, सबका ऑडियो म्यूट क्यों है? इंटरैक्ट करो ना, आज कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रहा, इंटरैक्ट करो। हाँ भैया लाजी, तो ये जो लार्जेस्ट आप बोल रहे हो कि लार्जेस्ट है, तो उसके बाद अब हमको ये बताओ कि लार्जेस्ट क्लास कौन सा है। लार्जेस्ट फाइलम तो ठीक है, इंसेक्टा है, इंसेक्ट लार्जेस्ट क्लास बिल्कुल इंसेक्टा, ये जो ना लार्जेस्ट क्लास है, दिमाग में रखिएगा, लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा एंड उसमें सबसे बड़ा क्लास है इंसेक्टा। खैर कुछ क्या, नहीं भैया कुछ नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट इज वर्टिब्रेट्स का बात कर लें। देखो अभी हम लोग तीन चार तरह का बात कर लिए, एक अर्थवर्म का बात कर लिया हमने, उसके बाद हमने बात किया इन मॉल्यूस्क के बारे में, मॉल्यूस्क और आर्थ्रोपोड के बारे में, फिर हमने इंसेक्ट्स के बारे में बात किया, और अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में। तो ये जो वर्टिब्रेट्स है ना, वर्टिब्रेट्स, अच्छा जरा बताना वर्टिब्राटा, इसका ये जो हायरार्की है किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर वाले में, तो इसमें वर्टिब्राटा का हायरार्की किस लेवल पे है? क्या ये किंगडम है या फाइलम है या क्लास है या ऑर्डर है, क्या है वर्टिब्राटा? वर्टिब्राटा ना एक फाइलम है ठीक है, वर्टिब्राटा इज अ फाइलम। तो ये जो वर्टिब्राटा है इसमें लंग्स होता है, जो भी वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, लंग्स, लेकिन लेकिन बट एम्फीबिया कैन ऑल्सो ब्रीद फ्रॉम फ्रॉम मॉइस्ट स्किन, ठीक है ना, एम्फीबिया जो है ये मॉइस्ट स्किन से भी ब्रीद कर सकता है या रिस्पायर कर सकता है, आप जो बोल लो ठीक है। अलग अलग तरह से रिस्पायरेशन का अलग अलग नाम है, जैसे
जैसे मान लो जो स्किन से रिस्पायर कर रहा था उसको हम क्या नाम दिए थे अभी देखो, थोड़ी देर पहले दिए थे, क्या नाम दिए थे? बोले ना क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन। हाँ क्यूटिकुलर। हाँ क्यूटिकुलर। उसी तरह जो गिल से रिस्पायर कर रहा था तो इसको तो सीधा बोलते हैं रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स। अच्छा जो ट्रैकिया से कर रहा है उसको ट्रैकियल रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रैकियल रिस्पायरेशन। अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो क्यूटिकुलर है इसको क्यूटेनियस भी बोलते हैं, क्यूटिकुलर रिस्पायरेशन को क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, हमको कहीं एनसीईआरटी में देखा था, जरा देखो। अच्छा एक और बात दिमाग में रखो, वो तो ठीक है, लंग से जो रिस्पायरेशन होता है ना, लंग से जो रिस्पायरेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। लंग से जो रिस्पायरेशन होता है इसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, और ये बात ध्यान में रखिएगा, पल्मोनरी रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन थ्रू लंग्स। एक बार जरा देख लेते हैं, गिल्स को नॉर्मली रिस्पायरेशन थ्रू गिल्स बोलते हैं, कई बार ब्रैंकियल रिस्पायरेशन भी एक टर्म यूज कर लिया जाता है, ठीक है। भैया ट्रैकिया वाले को क्या कहते हैं? ट्रैकिया को नॉर्मली बोलते हैं ट्रैक्यूलर रिस्पायरेशन, ट्रैक्यूलर रिस्पायरेशन। लिख दूं? आ लिख दीजिए भैया, लिख दीजिए आप क्या कर रहे हैं। ट्रैक्यूलर रिस्पायरेशन, ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया बट काम चला। देखो दिखाता हूँ अभी कुछ, मैं पूरा पढ़ते हैं। अर्थवॉर्म्स, ये देखो अर्थवॉर्म्स यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स अब नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। देखो क्या बोले, ट्रैकियल ट्यूब्स, ठीक है, तो ट्रैकियल ट्यूब से जो रिस्पेशन होगा उसको बोलेंगे ट्रैकियल, ट्रैक्यूलर, गलती हो गया, उसको बोलते हैं ट्रैक्यूलर, TRECHEOL यार, अरे यार इसको ओ कर लेना, EOL यार, ट्रैक्यूलर रिस्पायरेशन। खैर आगे बढ़ते हैं, तो अभी देखो रिस्पायरेशन स्पेशल वैस्कुलराइज्ड गिल्स कॉल्ड ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। देखा गिल से जो रिस्पायरेशन है उसको बोले ब्रैंकियल रिस्पायरेशन। उसके अलावा लंग्स वाला देखो, लंग्स को क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। टेस्टल फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अमॉन्ग वर्टिब्रेट फिश यूज गिल्स, वेयर एज एम्फीबियन रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल रिस्पायर थ्रू लंग्स। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन ऑल्सो, देखो मोस्टिन वाले का एक और नाम दे दिया है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। अच्छा अगर और ध्यान से देखें तो इसको एक और बात बोल सकते हैं इस बारे में भी, हम लोग हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं इस बारे में भी कि भाई आप जो अभी बोल रहे हो कि सर वर्टिब्राटा में नॉर्मली लंग से होता है बट उसका एक एक्सेप्शन डाले कि एम्फीबिया जो है वो मॉस्ट स्किन से भी ब्रीथ कर सकता है, तो ऐसा भी तो बोल सकते हैं जो फिश है ये वर्टिब्राटा का मेंबर होते हुए भी गिल्स से रिस्पायर करती है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मली तो ये सबको पता हो भाई कि फिश गिल से रिस्पायर करती है, बट इस बात को थोड़ा फोकस देकर रखना, कई बार अगर सिर्फ वर्टिब्रेट बोल दिया तो उसमें से दिमाग से कई बार फिश निकल जाता है, तो उसको थोड़ा फोकस रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ।